आज का मनुष्य तनावग्रस्त है, अशांत है, डिप्रेशन और टेंशन में जी रहा है। ऐसे समय में विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज ने ध्यान योग साधना शिविरों का प्रारंभ किया। सूरत महानगर में अनेकानेक गंभीर बेसिक ध्यान साधना शिविरों का आयोजन हुआ। इन शिविरों में हजारों भाई बहनों ने भाग लिया। इन शिविरों में हर वर्ग भाग ले रहा है। ये शिविर जाति संप्रदाय से पार, आत्मा से परमात्मा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, क्या है मेरा लक्ष्य, इसकी खोज करने के लिए, शोध करने के लिए आत्म ध्यान योग साधना शिविर। इसमें शरीर से स्वस्थ, आध्यात्मिक आनंद, वितरागता की परिपूर्णता, भगवान महावीर जैसी उत्कृष्ट साधना, जीवन में चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, हर अवस्था में हर व्यक्ति कैसे आनंद से, शांति से, सुख से, समृद्धि से जी सकता है, इसकी प्रयोगशाला है सप्तदिवसीय आत्म ध्यान साधना शिविर। इस शिविर में साधक को पूरे 7 दिन आर्य मौन में रहना होता है। सभी साधकों ने आर्य मौन का अर्थात है मन से, वचन से, काया से मौन, वितरागता की ओर बढ़ना। इस शिविर में पूरे देश भर के साधक उपस्थित हैं। इन सभी साधकों ने अपने जीवन को रूपांतरित किया। केवल बेसिक शिविर में परिचय ही नहीं प्राप्त करके गंभीर शिविर में गहन प्रयोग और इस 7 दिन में आत्मा की शोध का कार्य किया। यह शोध कार्य हर एक साधक ने अपनी गहराई में जाकर के लाभ लिया। आइए उस गहन प्रयोगशाला की कुछ झलकियां आप और हम सभी अनुभव करें। प्रथम दिवस प्रारंभिक परिचय के पश्चात साधना यज्ञ शुरू हुआ। प्रातः काल में एक सामायिक ध्यान वितराग सामायिक की। तत्पश्चात योग आसन प्राणायाम। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना ले और धीरे धीरे अपने अपने शरीर को देखते हुए जिनके घुटने जितने तैयार है उतनी स्पीड लें। पंजों के ऊपर आवाज़ नहीं आएगी, पंजों के ऊपर बढ़ाते जाए, अपने घुटने ऊपर की ओर उठाते जाए। धीरे धीरे स्लो होते जाए। पद्मासन सबसे बेस्ट, और एडजस्ट करके बैठ गए। फिर सांस भरते हुए ऊपर ऊपर खींचिए, पर्वत बना लीजिए अपने आप। सांस छोड़ते हुए नीचे शरीर को एक सुखद आसन दे दीजिए। यहां आने से पूर्व जितना भी मिथ्यात्व से जुड़ा आपका संसार था उसे वो सरा दीजिए। मिथ्यात्व के संसार में आप अपने स्वयं से अपरिचित थे,
स्वयं को देह मान कर देह जान कर जितना समय आपने व्यतीत किया, जितनी श्वासें आपकी व्यर्थ चली गई, सबका प्रतिक्रमण करते हुए हे जीवात्मा अपने सत्य को जानो, तुम हो कौन? तुम किसके समान हो? किसके समान हो? तुम में और केवली में क्या भेद है? तुम में और नारकी में क्या भेद है? यहां मौजूद हर साधक में क्या भेद है? सारे भेद का अंत करके अभेद में आओ, एक आत्मा आप में भी हम में भी सिद्ध भगवंतों में, वही आत्मा नरक के नारकी में चारों ओर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब में एक सत्य है। उस सत्य को आत्मसात कीजिए, देह में आत्मा हो, 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 मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। मिथ्यात्व तोड़ते जाओ, सत्य को ग्रहण करो, सत्य की शरण में जाओ, आप आत्मा हैं। चिंतन करते करते चित्त को शांत कर लीजिए। ये साधना क्या है? जिससे जन्म मरण मिट जाए, हमारे जन्मों जन्मों तक व्यक्ति नरक निगोद में पड़ा हुआ व्यक्ति भी यदि ये स्वय अनुभव की कला आ जाए तो मोक्षगामी बन सकता है। पर आपका अटल विश्वास, अटल श्रद्धा चाहिए। ये आत्मा आत्मा के शब्द आप कह रहे हो, थोड़ा मन लगता है, नहीं भी लगता, विचार भी आते, अभी भी समझ में नहीं आ रही। पर यही अटल विश्वास कीजिए कि सत्य यही है, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे सारा संसार चला जाए, चाहे कोई संबंधी ना रहे, फिर भी मैं आत्मा हूँ। वो है आत्मा तो कहीं जाती नहीं। और ये विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी तुमने मैंने किया है, मैं नरक में गया तो जिम्मेदार मैं हूँ। कोई नरक भेजता नहीं किसी को। यदि मैं पशु पक्षी बना, शेर, चीता, बिल्ली, चूहा, गिद्धड़, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बना। मैं स्त्री बना, पुरुष बना, नपुंसक बना, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री, पांच भरत, पांच रावत, पांच माघ, 56 अंतरदीप, 303 प्रकार के जो है मनुष्य, 198 प्रकार के देवी देवता, सब में मैं हूं। देवलोक में गया तो मैं ही गया। ये जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी। ये महावीर ने नहीं कहा कि मेरी कृपा से तुम मोक्ष चले जाओगे। कोई किसी की कृपा काम नहीं आती, वो हमारे निमित्त हैं। पर पुरुषार्थ तो मुझे और आपको करना ही पड़ेगा। बिना तपे कुछ नहीं होगा। तपना है आपको, तपे बिना मोक्ष नहीं है। सारा संसार मुंह में जकड़ा पड़ा है, सारा संसार जकड़ा पड़ा है, और आप निकलो। ये पंचम काल, ये असंभव से संभव कार्य हुआ है मेरे लिए और आपके लिए। अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी है। तुम पुराने साधक हो, नए साधक नहीं जानते, इसको समझो। यह संभव है, स्वय अनुभव की कला हमें नहीं पता था। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने एमए किया, डबल एमए किया, पीएचडी की, डीलिट किया, इस खोज के लिए भटका, घर से निकला, आत्मा की साधना, आत्मा की साधना के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मिला, उनसे भी लाभ हुआ। परंतु ये जब प्रभु की कृपा बरसी और वीतराग साधिका निशा जी का अथक सहयोग, ये कहना ही पड़ेगा, तुम मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, निशा जी बार बार मुझे कहती मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए,
निशा का नाम नहीं, निशा की आत्मा, इस आत्मा ने ये सहयोग दिया। भूल जाओ शरीर को, पर आत्मा को, तुम अपनी आत्मा को जानो। न चिट्ठी आई न आया बुलावा, न चिट्ठी आई न आया बुलावा, अंदर से खड़के है तार, मुझे जाना है भगवन के द्वार, तेरे एहसान का बदला चुकाया सकता। आंखें बंद, आप आत्मा है, आत्मा है। इस सत्य को आपने कितना जाना है, समझा है, कितना आत्मसात किया है, जिसे बार बार ध्यान साधना यज्ञ के अंतर्गत दोहराया गया, समझाने का पुरुषार्थ किया गया, वो सत्य आप तक कितना पहुंच पाया है। हे जीवात्मन, अपने स्वयं का अवलोकन करके देखिए, जहां बार बार एक ही शब्द, एक ही वाक्य कानों में गूंज रहा था, मिथ्यात्व में कर्म का बंधन है, देह की आसक्ति तोड़े बिना मुक्ति नहीं है, तो भी देखो वर्तमान का ये काल, देखो वर्तमान का ये क्षण, देखो कितनी आसक्ति है निज काया से, वर्तमान के इस क्षण में निज काया के प्रति, जड़ काया के प्रति कितनी आसक्ति है। जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक अपना प्रतिक्रमण कीजिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंग, तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंग, तेरा मंगल। इस 7 दिनों के शिविर में मेरे द्वारा किसी साधक साधिका को ऊंचा नीचा बोला गया, कठोर वचन कहीं हो, अनुशासन के लिए कुछ कहा गया हो, तो मैं अंतःकरण से आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। परमात्मने नमः, ओम श्री सद्गुरु।
समय समय पर विविध प्रयोग हुए हैं और उन सभी प्रयोगों के अंतर्गत ये एक सफलतम साधना शिविर रहा। उस गंभीर साधना शिविरों में जिन्होंने भाग लिया उनके अनुभव को भी आप श्रवण। जिंदगी में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था कि विचार भी शून्य हो सकते हैं। कभी कभी घंटों घंटों हम विचारों में उलझते रहते थे, रात भर नींद भी नहीं आती थी। विचार के शून्य होने के बाद पहली बार जिंदगी में एक अपूर्व अनुभूति हुई। उसी क्षण क्षणिक मात्र एक मन को शांति मिली। समझ आ गया कि सुख कहाँ है। हम बाहर घूमना, मूवी देखना, इसमें सुख ढूंढ रहे थे, पर अब भीतर की शक्ति पता चला है। भीतर में अनुभव हो रहा है कि कितना सुख है अंदर। मुझे 2010 से पहले इतना गुस्सा आता था, इसका कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन जब जब से शिविर में आया उसके बाद गुस्सा देखा ही नहीं। गुस्सा क्या होता है, गुस्सा नाम ही खत्म हो गया, गुस्सा क्या चीज़ होती है करके। लोग आज भी कहते हैं जसवंत ये कौन सा है। समाज में परिवार में उठते बैठते कोई 10 गाली भी दी तो ठीक है, तेरी इच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तुम्हारा काम करना, हम काम कर लेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयुर्यानंग, नमो उपझायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो, देवाभि तंग नमंग संति, जस धम्य श्यामनो, चैता भारंग वासन, चकवट्टी महडियो, संति संति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणम पवज्जामि, चारे शरण दुख हरण जगत दे ओर ना शरण एक सूचना मैं देता हूँ, कुछ ज्यादा भूले नहीं। आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सर